आपने ये सुना था कि लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, अब वोट जिहाद। मंडल आयोग की रिपोर्ट में पहले से ही मुसलमानों की 90% जातियां मौजूद हैं। फिर दिखा के जाइएगा 90% जातियां मुसलमानों की। चुनौती देके कहता हूं, महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, ठीक है, राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। तो हिंदू शब्द भी नहीं था, पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिदं व्यास कब हो गए थे, क्या फस हो गए थे, क्या होते हैं, क्या होती है। जोर जोर से डेढ़ डेढ़ गज की जबान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है वो फर्जी है, मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूँ। फिर एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच में। दोस्तों समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता मरिया आलम ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार सभी मुस्लिमों को वोट जिहाद करना है। अब दोस्तों इसी को लेकर चल रही डिबेट में जब न्यूज एंकर ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लिया कि ये वोट जिहाद का क्या मतलब है, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताने लगे कि ये जिहाद जो है कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो रामायण के टाइम पर राम और रावण ने भी किया था। और वो यही नहीं रुके, उसके बाद तो उन्होंने 100 में से आधी पुराण को जो है फर्जी बता दिया। अब दोस्तों उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरह से इनकी बोलती बंद की है, अब ये डिबेट में आने के बाद 100 बार पहले सोचेंगे सुधांशु त्रिवेदी के सामने कुछ भी उल्टी सीधी बात करने की। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजकुमार भाटी, पॉइंट ये है कि तुष्टिकरण की प्रकाशा ये है कि वोट जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं आपके नेता और कह रहे हैं ये ज्यादा वोट करने की अपील थी। वोट जिहाद किसको ज्यादा करने की अपील थी, किसको वोट ज्यादा करने की अपील थी? आप कह रहे हो वोट जिहाद करें, हमने ये सुना था कि लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, अब वोट जिहाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, करना क्या चाहते हो आप लोग? तुष्टिकरण की एक अलग प्रकाशा है क्या? पहले दो चरण के मतदान के बाद जब रुझान आए कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर बाहर नहीं निकला, उसमें उदासीनता है और भारतीय जनता पार्टी इनमें से ज़्यादातर सीटें हार रही है जिन 190 सीटों पर चुनाव हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया और इन्हें लगा कि बस एक यही तरीका थोड़ा बहुत बचने का। सुधांशु जी ने आपके शो में सारी बातें गलत बोली हैं, गलत बयानी की है, गलत तथ्य रखे हैं। आपने पूछा ओबीसी में मुस्लिम को आरक्षण देंगे, ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद। मंडल आयोग की रिपोर्ट में पहले से ही मुसलमानों की 90% जातियां मौजूद हैं। अच्छा एक सेकंड, आपने बोला, तो नहीं, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, आप मुद्दे की बात तो सुनिए। आपने बोला कि बीजेपी के नेता जब दो राउंड में बीजेपी की हालत खराब हुई, यही आपने बोला ना, तो उसके बाद उन्होंने ये करा और वोट, और नहीं नहीं लेकिन वोट जिहाद की अपील आपके नेता कर रहे थे। नहीं नहीं आप उधर गुमराह करोगे, मैं उधर जवाब नहीं कर रहा, नहीं बोला कि नहीं बोला, पहले जो आपके शो में झूठ बोला गया है। मैंने तो की मंडल की लिस्ट में दिखा के जाइएगा 90% जातियां मुसलमानों की, चुनौती देके कहता हूं। फिर कर्नाटक आप लोगों की ये आप अपने शो के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। नहीं नहीं आप बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। शेख सैयद मुगल पठान 4-5 उच्च जातियों को छोड़ के जो मुस्लिम की हैं, उसमें आपके नाई धोबी कुम्हार लुहार बढ़ई सारे सारी जाते हैं। आप क्यों, मैं तो नहीं चिल्ला में जाती होती मैं है। आपके बीच में नहीं चिल्लाया मुसलमान में जाती, मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया सर मुसलमान, मैं मुद्दे की बात कह रहा हूँ। एक करके राजकुमार भाटी के बारे में पूछेंगे। पाशा साहब मुसलमानदा मुसलमान है, लगातार झूठ बोल रहे थे, मैं चुप खड़ा था। अरे पाशा साहब सुन रहे हैं, मुसलमान आप जानते नहीं कास्ट है वहाँ, नाई धोबी लोहार बढ़ई सब ओबीसी में आते हैं, सबको आरक्षण है, मंडल में पहले से ही आरक्षण है। दूसरी बात, इन्होंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छीन लिया, जामिया में छीन लिया, जो हमारे अल्पसंख्यक संस्थान है, चाहे जैनियों के हैं, चाहे सिखों के हैं, चाहे पारसियों के हैं, सब में उनमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये गलत बयानी करते हैं केवल हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए। तो ये आप पूछिए वोट जिहाद क्या था, वोट जिहाद एक मिनट एक लाइन, वोट जिहाद में मैं आता हूँ, वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद में जो उस बेटी ने बोला, हालांकि इसका मैसेज कई लोगों में गलत जाता है, लेकिन उसने क्या गलत बोला? उसने कहा
हमें क्या कहा था उसने, शांति के साथ, शांति के लिए क्या, शांति के साथ चुपचाप जाकर, मैं बता दो क्या बोला था, शांति के साथ चुपचाप जाकर वोट का जिहाद कर दे, खामोशी के साथ हाँ वोट जिहाद करना है, ठीक है। जिहाद का आप डिक्शनरी निकालो अर्थ, जिहाद अच्छा वर्ड है ना, जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए जिहाद, अच्छा स्ट्रगल बहुत अच्छा, महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, ठीक है, राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। तुम्हें शर्म है कुछ, राम का नाम जिहाद किया था सर, राम राम का नाम रावण के खिलाफ, अरे भैया लिमिट होती है, अरे जिहाद शब्द कहां राम के समय में आया, अरे लिमिट होती है भाई, महाभारत रामायण में जिहाद दिया, अरे तुष्टिकरण की पराकाष्ठा की हद है ये, राम और रावण की लड़ाई जिहाद थी, अमित जी बहुत ही गलत है, प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी, वो कभी लड़ाई नहीं थी जिहाद की, नहीं नहीं सर, हमें 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 कुछ तो सीमा तय करनी पड़ेगी, अरे वोट का भी जिहाद हो रहा है, राम और रावण के बीच में जिहाद हुआ था, नहीं दोनों भगवान शंकर के, दोनों नहीं नहीं सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा इस बारी, नहीं नहीं दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, भगवान राम भी और रावण भी, सर्वज्ञानी थे रावण, लेकिन उसके बाद भी उनका वध हुआ क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया था, उन्होंने अन्याय करा था, लेकिन जिहाद तो नहीं था। सुधांशु जी है, मेरे को इस पर लेनी पड़ेगी, इंसाफ के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई को जिहाद तो वो करिए आप करिए, लेकिन राम और रावण की लड़ाई जिहाद नहीं थी, चालाकी के साथ गुमराह करते हैं, इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था, पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है, ये गुमराह करने की बात, ठीक है। हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, पुराण में लिखा है, मगर उसके बावजूद पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैंने रामायण कहा, महाभारत का, भाई पुराण स्मृति का, अरे ये अरे पुराण तो कल परसों लिखी गई है, अब पुराण के क्या बात कर रहे हैं, अरे लिमिट है यार इस आदमी की पराकाष्ठा की, कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है, कभी कह रहा पुराण का कल परसों लिखी गई, अच्छा अच्छा अच्छा, अब सुनिए पुराण कल परसों लिखी गई, इसका जवाब देता हूं, सुनिए और 100 पुराण है उनमें आधी फर्जी है, अरे अब आधी फर्जी पुराण, अरे भाई बताइए क्या लिमिट है भाई, अपने शब्दों पर जाइए, आधी से ज्यादा, अरे आधी ज्यादा फर्जी, लिमिट से ज्यादा फर्जी, ये नहीं मैं जिप्पर भाई के साथ कह रहा हूं, नहीं नहीं आधी से ज्यादा फर्जी, ये नहीं ये नहीं, लिमिट होती है, वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं, वेद कौन कह रहा, वेद और पुराण को एक साथ मत जोड़ो, ओके ओके सुनिए, वेद अलग है पुराण अलग, परसों लिखी गई है, सुनिए अब मैं दूसरा बोलता हूं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटेर, व्यास कब हुए थे, कब परसों हुए थे, बेहूदे बन के हद होती है, गलत आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं, मुझे रामायण का श्लोक दिखा दें, अरे लिमिट होती है, महाभारत का दिखा दें, मनुष्यों का दिखा दें, चंद का गीता का दिखा दें, कभी जिहाद कभी पुराण फर्जी कभी रामायण फर्जी, लिमिट होती है। देखिए पहली बात तो यह है कि पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है, और राजकुमार भाटी जी निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और बहुत ही इतिहास का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा इससे मुझे ठेस लगी है, भाटी जी ने भी कहा ये मुद्दा है, मुद्दा कुछ और है, देखो पक्की बात है महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, और होना चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए, लेकिन क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है, क्या भारत की अस्मिता मुद्दा नहीं है, इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की, तो क्या हम भारत के गौरव को जो गौरवान्वित करने का काम कर रहा है उसकी सराहना हमें नहीं करनी चाहिए, आप सनातन से मत लड़ो, आप सनातन को खत्म करने की बात करने वालों का साथ मत दो, आप इस कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे मत ले जाओ, लेकिन अमित शाह ने बात को नहीं माना गया जी, मेरी बात को नहीं माना गया, उसका परिणाम देखना अमित देखबंद, 4 जून को फिर एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, देख लेना,
देख लेना। उन्होंने वोट जिहाद बोला, शरिया और जिहाद जैसे शब्द आते ही इनके नेता क्या कहते हैं, सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेशे बादशाह रहे, तुरंत सियासत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, कहां आप बोल रहे हैं, बड़े जोर जोर से डेढ़ डेढ़ गज की जमान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है वो फर्जी है, मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मगर जब आप कहेंगे शरिया नहीं, शरिया तो होना चाहिए, जिहाद वो जिहाद का इतना मतलब समझाने लगेंगे जितना कोई मौलाना ना समझा पाएगा, जितना कोई मुफ्ती मुकर्रम बारी नहीं समझा पाएगा। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, ऐसा ही कुछ हुआ है आज की इस डिबेट में राजकुमार भाटी के साथ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।